ऐसी फीलिंग है, है, एक ऐसा इमोशन जिसके बारे में जितना भी लिखा जाए जितनी भी बात की जाए उतनी कम है प्यार के मारे लोग शायरी करते हैं किससे कहानियां लिखते हैं लव पोइट्री लिखते हैं न जाने क्या क्या कहते लिखते और करते हैं दोस्तों लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूं हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसमें प्रेम कहानियां तो है ही लेकिन ये प्रेम कहानियां कुछ अलग अंदाज में है बिल्कुल लीक से हटकर है यहां जहां प्रेम के जज्बे को खूबसूरती से चित्रित किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ एक बेहद मजेदार सेंस ऑफ ह्यूमर भी है प्रकृति का खूबसूरत चित्रण भी है और साथ ही गुजरे जमाने के भारत का स्वतंत्रता से पहले के भारत का वहां के जो लोग हैं लोग थे और वो किस प्रकार से अपना जीवन जीते थे उनकी मानसिकता का इन सब चीजों का बखूबी चित्रण है हेलो दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूं रस्किन बॉन्ड की किताब फॉलिंग इन लव अगेन का फॉलिंग इन लव अगेन बाय रस्किन बॉन्ड दोस्तों यूं तो मैं पहले इस किताब का अंग्रेजी में रिव्यू कर चुकी हूं कुछ समय पहले लेकिन मुझे किसी ने कमेंट्स में हाल ही में रिक्वेस्ट किया कि इसका रिव्यू मैं हिंदी में या मराठी में करूं तो मराठी भाषा तो मुझे नहीं आती इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी में फॉलिंग इन लव अगेन का एक बार दोबारा से रिव्यू किया जाए तो आशा करती हूं कि आपको ये रिव्यू पसंद आएगा और किताब पढ़ने के लिए आप प्रेरित होंगे मेरे रिव्यू को सुनने के बाद फॉलिंग इन लव अगेन बाय रस्किन बॉन्ड शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस बुक का कवर देखते हैं तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बुक का जो कवर है वो एक बहुत ही हमें ड्रीमी और इमेजिनेटिव वाली फीलिंग देता है खूबसूरत इतलिया है कवर में और बहुत से रंग है बहुत ही रंग बिरंगा कवर है जो कि एक प्रेम का समा तो बांधता ही है लेकिन साथ में एक फैंटेसी जिसको कहते हैं कि एक जादू का और एक फैंटेसी और इमेजिनेशन का वातावरण भी जो है वो बनाता है उसको रचता है तो कहानियों पर आने से पहले मैं रस्किन बॉन्ड के राइटिंग स्टाइल के बारे में कुछ कहना चाहूंगी हालांकि रस्किन बॉन्ड बहुत ही मशहूर भारतीय अंग्रेजी लेखक के मोहताज नहीं है लेकिन इनके बारे में एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं अधिकतर कहानियों का रॉ मटीरियल ही अपने खुद के जीवन से लेते हैं यानी कहानियां होती तो फिक्शनल है मन है लेकिन जो रस्किन बॉन्ड के खुद की जीवन की घटनाएं हैं वो जिन जिन जगहों पर गए हैं और जिस प्रकार के लोग मिले हैं उनके कैरेक्टर्स में से शेड्स लेकर और उन घटनाओं में से कलर्स लेकर जो है रस्किन बोर्ड अपनी फिक्शनल दुनिया का ताना बाना बुनते हैं और ये बात उन्होंने कई बार इंटरव्यू में खुद स्वीकार भी की है और यही बात हमें फॉलिंग इन लव अगेन में भी देखने को मिलती है फॉलिंग इन लव अगेन में ज्यादातर कहानियां हैं कुछ कविताएं भी हैं लेकिन और जो कविताएं हैं उसमें एक कविता मुझे याद है कि किस प्रकार से फूलों का आपस में संवाद हो रहा है तो एक बहुत ही जैसा कि मैंने कबर के बारे में भी कहा था कि किस प्रकार से प्यार की अनुभूति को बहुत ही डेलिकेसी के साथ रस्किन बॉन्ड ने पोर्ट्रेट किया है इन कविताओं में और कहानियों में और एक फैंटेसी एलिमेंट भी है तो कहानियों की तरफ इन लव स्टोरीज की तरफ आगे बढ़ते हुए इन लव स्टोरीज़ की खासियत यह है कि अंत में नायक और नायिका का कभी भी मिलन नहीं होता इन लव स्टोरीज में बल्कि सिर्फ प्यार की एक जिसे कहते हैं कसक रह जाती है एक मीठी मीठी सी एक भीनी भीनी सी खुशबू रह जाती है जो कि पूरे कायनात में घुल जाती है और यही प्यार की फीलिंग जो कि कायनात में घुल जाती है मेरे ख्याल से रस्किन बॉन्ड के मुताबिक यही प्यार की वास्तविक अनुभूति है यही वास्तविक प्रेम है न कि दो लोगों का मिलना या बिछड़ना तो ये कहानियां जो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में लिखी गई हैं यानी जो नरेटर होता है जो सूत्रधार होता है कहानियों का वही कहानियों का नायक है और वो खुद अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहा है वो खुद अपनी ही बात से कहानी आगे बढ़ाता है और कहानियां बड़ी मजेदार भी लगेंगी आपको क्योंकि एक बहुत ही जिसमें जिसको कहते हैं इनमें फैंटेसी है ड्रामा है और एक प्रकार से आपको ये बॉलीवुड की फिल्मों की याद दिलाएंगी तो बहुत ही ड्रामेटिक कहानियां हैं और कहानी की किस प्रकार से शुरुआत होती है और आगे बढ़ती है तो नायक नायिका का मिलना फिर प्यार एक दूसरे के प्यार में पड़ना फिर उस प्यार का परवान चढ़ना ये एक पूरे एक बॉलीवुड टिपिकल बॉलीवुड रोमांस फिल्म की सेटिंग हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से नायक जो है वो मसूरी की वादियों में घूम रहा है और वहाँ पर उस खूबसूरत सुंदर वन कन्यासी लड़की मिलती है और कैसे वो उस लड़की को देखते ही उससे बातें करता है उसका सिर्फ हाथ छूता है उसे कुछ बातें करता है और अपने दिल में सपने संजो लेता है उसके साथ जीवन भर रहने के उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने के और फिर सोचता भी है जब वो लड़की दो तीन दिन बाद नहीं आती पहाड़ों में उसे नहीं मिलती तो सोचता है कि किस प्रकार से इसे ढूंढा जाए लेकिन ये सब बातें उसके मन में ही रह जाती है वो मन में इस प्रकार के ख्याली प्लाव पकाता है तो एक ये, ये हमें बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है कि इन प्रेम कहानियों में कि अगर आप ध्यान से पढ़े ने तो कि जो एक्शन हो रहा है सारा एक्शन ज्यादातर नायक के प्रोटैगोनिस्ट के मन में ही हो रहा होता है उसके जहन में ही हो रहा होता है कई बार तो नायिका को शायद पता भी नहीं होता कि ये मुझसे इतना प्यार करता है और जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी पकड़ा होता है वो हीरो के मन में पकड़ा होता है तो यहाँ पे एक सतही तौर पर तो ये एक प्रेम कहानी है उस हीरो की नायक की लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो चूंकि नायक लेखक भी होता है और इन कहानियों में उसका जो एक लेखक का जीवन है उसका जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसके बारे में भी हमें बातें सुनने देखने को मिलती है तो एक तरह से ये एक जो राइटिंग की लिखने की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया होती है जिसमें जो नायक है जो कि लेखक भी है ख्याली प्लाव पकाता है और अपनी फैंटेसी की दुनिया में इस कदर खो जाता है कि वो वास्तविकता को बिल्कुल भूल जाता है तो ये भी एक पैरल पैरल ट्रैक इन कहानियों में साथ साथ चलता है अगर आप इन कहानियों के पढ़े लेकिन हाँ इसमें ये चीज़ इन कहानियों को बहुत ही मज़ेदार और हास्यस्पद बना देती है कि जो लेखक अपने मन में जो नायक अपने मन में प्रोटागोनिस्ट ख्याली प्लाव पकाता है अंत में उसका जो सपनों का महल है वो धरा का धरा रह जाता है और एक बस एक मीठी सी टीस रह जाती है उसके मन में जैसे ही वो रियलिटी को वास्तविकता में इनकाउंटर करता करता है और रियलिटी में नायक नायिका का मिलन नहीं होता तो ये प्रेम कहानियाँ अब इन प्रेम कहानियों के बारे में इनके प्लॉट्स के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर तो सारा सस्पेंस ही खत्म हो जाएगा इसलिए समरी नहीं है इस बुक की ये सिर्फ इस बुक का रिव्यू है जो कि मैं चाहती हूँ कि आपको प्रेरित करे इस किताब को पढ़ने के लिए और बहुत सी कहानियाँ हैं इसमें रस्किन बॉन्ड की जो बहुत ही पुरानी मशहूर कहानियाँ हैं टाइम स्टॉप सेट शामली और और भी बहुत सारी कहानियां हैं बिन्याप पासिस बाय और उनकी कुछ नई कहानियां भी इसमें हैं तो दोनों तरीके की कहानियों का लव स्टोरीज का मिला जुला स्वरूप है फॉलिंग इन लव अगेन और एक बात मैं जो अंत में हाँ एक बात इसके बारे में कहना मैं भूल गई वो है कि इसके जो विमेन कैरेक्टर्स हैं जो भी इसमें महिलाओं के किरदार हैं या फिर लड़कियों का जो चित्रण है वो मुझे लगा एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक है आमतौर पर प्रेम कहानियों में हमें महिलाओं का लड़कियों का बहुत ही सतही चित्रण देखने को मिलता है जहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक उनके खूबसूरत वस्तु के रूप में चित्रित नहीं किया गया बल्कि उनकी जो फीलिंग्स है उनकी जो शख्सियत है वो क्या सोचती हैं क्या समझती हैं ये सभी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली जिसे हम कहते हैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी एक बहुत ही स्ट्रांगली बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही सशक्त आ, सशक्ति से उभर कर आती है उनकी पर्सनालिटी इन कहानियों में और कई फीमेल कैरेक्टर्स तो बहुत स्ट्रांग भी हैं तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इन प्रेम कहानियों के बारे में इन लव स्टोरीज के बारे में और अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो बात इन प्रेम कहानियों को स्पेशल बनाती है और इन्हें महान बनाती है वो ये है कि इनमें रोमांस दुख सुख रोमांच पीड़ा उत्साह बहुत सारे रसों का मिला जुला भाव है एक ही कहानी में इतने सारे रसों का मिला जुला भाव है जिसे आप कह सकते हैं कि नौ रस का नव रसों का समन्वय है, है तो यही चीज जो है इन कहानियों को एक आम प्रेम कहानियों से आम लव स्टोरीज को रस्किन बॉर्न की जो ले, जो लेखनी है उसको एक प्रकार से एक बहुत ही गहराई के धरातल पर ले जाती है महान बनाती है इन कहानियों को इन लव स्टोरीज को आप बहुत सारे लेवल्स पर पढ़ सकते हैं सतही तौर पर आप इसको एक सामान्य लव स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें गहराई से देखेंगे इसको गहराई से समझेंगे तो आप जानेंगे कि ये सिर्फ एक आ, स्त्री पुरुष वाला लड़की लड़की वाला प्रेम नहीं है बल्कि जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स वाला प्रेम जो होता है जो एक स्पिरिचुअल वाला प्रेम होता है जो एक सूफी वाला लव जिसे आप कह सकते हैं वो प्रेम जो इस प्रकृति के कायनात के कण कण -कर में बसा है मनुष्य के कण कण -कर में बसा है और वो प्रेम जो कि हमारे भीतर हमें हमारे भीतर तक एक रोशनी की ज्वाला जगाता है और हमें हिम्मत देता है रोज अपने जीवन की मुसीबतों से तमाम झंझावातों से लड़ने की जो कि एक बादलों में से झांकती हुई एक सूरज की किरण है जो कि हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है ये वो वाला प्रेम है जिसकी रस्किन मॉड अपनी किताब फॉलिंग इन लव अगेन में बात कर रहे हैं और यही इस किताब की खूबसूरती है यही इस किताब का सार है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आशा करती हूँ आपको रिव्यू पसंद हो ये किताब फिलहाल तो मेरे ख्याल से इसका कोई हिंदी अनुवाद अभी उपलब्ध नहीं अंग्रेजी में ही उपलब्ध है अमेजोन पर और हालांकि इसको अंग्रेजी में पढ़ना कोई बहुत कठिन नहीं है क्योंकि रस्किन मताबों की किताबों की जो अंग्रेजी होती है वो पढ़ने में आसान होती है तो आपको ये कहानियां आसानी से समझ में आ सकती हैं मैं आपको अमेजोन पर लिंक देती हूँ इस किताब को खरीदने का तो दोस्तों अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ बुक लवर्स के साथ शेयर भी करें आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बाय फॉर नाउ